बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर कुछ नए जॉब्स, कुछ नए ऐड के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ जो नई जॉब्स आई हुई हैं, इसके अलावा कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जब एडमिशन आते हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह, तो उनके बारे में कुछ, तो कुछ जो है अगर जो भी यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंसमेंट की हुई हैं अपने एडमिशन के बारे में, या एंट्री टेस्ट वगैरह या रिज़ल्ट होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी अगर हुए तो मज़ीद वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं जितने भी आने वाले नए दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऐड आप देख लें कि आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची, 25 ईयर एजुकेशन पर एक्सीलेंस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, HSC 1 प्री मेडिकल। तो ये देख लें, ये आपके सामने आए हुए हैं एडमिशन वगैरह के बारे में है। स्टार्टिंग में 4-2000 अप्लाई आपने करना है। ये उनकी वेबसाइट है, htinyur.com/akesa admission। तो ये आप उसकी जो है वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद आप इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये नीचे इनका सारा एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये आप इनसे ले सकते हैं। तो जो भी अगर हैं भाई वगैरह जो है आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो है पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म जो है वो DOW यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म जनाब, ये देख लें। तो अगर कोई इस पर अप्लाई करना चाहता हो एडमिशन के लिए, तो ये आपके सामने बहुत से कॉलेज, यानी कि उनके बारे में जो वो क्या क्या उनके अंदर टेक्नोलॉजी हैं मुख्तलिफ डॉक्टरी के हवाले से, हेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये आप लोग देख सकते हैं। 2 ईयर प्रोग्राम भी हैं, 4 ईयर प्रोग्राम भी हैं। तो जो प्रोग्राम आप लोगों में से जो भी कोई करना चाहता हो, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोग लाजमी कर लें। ये आप सारा इसको एडमिशन को पढ़ लें। मज़ीद आप इनकी वेबसाइट जो है www.duhs.edu.pk पर भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आपने सारा इसको रीड कर लेना है। उसके बाद एक बहरिया कॉलेज कराची के अंदर जी, ये भी देख सकते हैं आप, एडमिशन है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। तो इन्होंने क्या क्या मांगा है देख लेंगे कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, मॉर्निंग शिफ्ट में एटलीस्ट इतने हों आपके 9th में मार्क्स, 75%, और कॉमर्स मॉर्निंग शिफ्ट में आपके पास 70%। उसके बाद प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, आफ्टरनून शिफ्ट जो है बॉयज़ सिर्फ। तो ये आप लोग सारा पढ़ लेंगे। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 जून से पहले पहले आपने जो है इनके एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवा देनी है। इनकी वेबसाइट है www.bck.edu.pk। तो इस पेज पर जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लाजमी अप्लाई कर लें। अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भी ऐसा है, मेल फीमेल गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं, उनको भी बता दें। उसके बाद UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, तो ये कम्बाइंड एंट्री टेस्ट आप देख सकते हैं, BSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम और BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम दोनों के लिए अनाउंसमेंट है। तो ये आप लोग ने सारा इसको रीड कर लेना, पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या उन्होंने मांगा है। एंट्री टेस्ट डेट उन्होंने जो दी है वो देखें, सैटरडे संडे 13 और 14 जून को दी हुई है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेंटर्स अलॉटेड टाइम, और बाकी आपने सारा इसको रीड कर लेना, टर्म्स एंड कंडीशन, इनकी वेबसाइट वगैरह, ये इनके मतलब क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस बेस पर, DAE वाले भी कर सकते हैं BSc के लिए, FSC वाले जो है वो भी कर सकते हैं, तो ये सारे वो पढ़ लेंगे। तो इनको जो है ये आप दे सकते हैं, 1200 रुपये आपने जमा कराना होगी, इनकी फ़ीस है, और ये आपने रीड कर लेना। अदरवाइज़ आपको जो है इसमें कोई मुश्किल हो तो आपने इनकी वेबसाइट admission.uet.edu.pk पर जाकर हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी आपने जो है ये देख लें, इनकी जो है लास्ट डेट है Monday 1st June 2020। तो जो है आपने 1 जून 2020 से पहले पहले इनके हर चीज़ जो है अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करवा देनी है। उसके अलावा ये ब्रांचेस कोड भी नीचे इन्होंने दिए गए, आपने पढ़ लेने हैं। देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टी रोड, उसके बाद ये है बैंक स्केयर, मेन मार्केट गुलबर्ग, कराची, क्वेटा, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, वाक एंड टेक्सला, हैदराबाद, सक्खर, भावलपुर, ये सारे आप लोगों ने पढ़ लेने, जो जो भी जिस इलाके का हो, तो उनके कोड वगैरह हैं, ब्रांच नेम है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और बाकायदा वो आपको जो है इसके बारे में गाइड भी करेंगे। नीचे फ़ोन नंबर भी उनका दिया हुआ है, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है जी UET लाहौर में जो कम्बाइंड प्रोग्राम्स हैं, BSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम और टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इसके लिए जो भी अप्लाई करना चाहें तो वो जल्दी से कर लें। उसके बाद कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी देख लें, ये कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं।
इसमें BBA के लिए आपको सर मैनेजमेंट के हैं, ये स्पेशलाइज MBA है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में है, वीकेंड में भी है। BSA MBA है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, MScS PhD BSc MSc BE है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में BE MSEE PhD है, BCA है, BS है, ये मीडिया आर्ट्स के रिलेटेड है, मास्टर वगैरह। ये भी 6 जून है इनकी लास्ट डेट, 6 जून से पहले अगर जो कोई अप्लाई करना चाहे तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पर जो है अप्लाई कर देना है। तो ये आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इनका ईमेल आईडी भी नीचे दिया हुआ है, तो ये आपने इनको जो है इनकी टाइमिंग, ये मोबाइल नंबर आप नीचे देख लें, नोट कर लें अगर करने हैं तो, ये 2 U-phone के हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो ये लाजमी जल्द से जल्द अप्लाई, 6 जून से पहले पहले हर हाल में आपने इनको सबमिट करवाना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास ये कुछ जो है इनको स्टाफ रिक्वायर्ड है जी, जॉब का एड है अभी, इसमें BS मोंटेसरी फेसर रिक्वायर्स एनर्जेटिक स्टाफ ऑन हैंडसम सैलरी, प्रिंसिपल MMSc विद डिप्लोमा एजुकेशन, जो भी हो इस मोंटेसरी का, मोंटेसरी जो है इसका डिप्लोमा वगैरह तो उनको मेथड आता हो, डायरेक्टर्स BA BSc डिप्लोमा हो, उसके बाद टीचर एट पफवा एजुकेशनल सिस्टम ये भी आपके पास हो, तो ये आप लोगों ने जो है इस बेस पर अप्लाई कर देना है। तो ये आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, तो ये ईमेल एड्रेस वगैरह उनका फ़ोन जो है ये दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है जी सर्विसेज और स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस, ये आप लोग देख सकते हैं फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी में जो आई हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर है मेंटेनेंस सिविल इलेक्ट्रिकल BA 17 है इसका स्केल, और ये इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल है क्या, और कहाँ कहाँ पर ये आप देख सकते हैं पंजाब में मेरिट है इनका, कितनी सीटें हैं हर जगह पर इनका, यानी कि बताएंगे सिंध KPK वगैरह अगर आप पढ़ लेना है आपने, जहाँ जहाँ पर जिस अप्लाई सीट के लिए अप्लाई आपने करना हो जिस पोस्ट के लिए भी, तो आपने उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ लेनी है। तो ये आप BSc BE वाली अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए भी हैं, मैट्रिक के साथ जो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल वाला या मैकेनिकल वाला, उनके लिए भी इसमें आई हुए हैं जॉब। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, 14 स्केल है उनका, पंजाब सिंध वगैरह KPK जितनी भी है, गिलगित बल्तिस्तान की भी हैं, उसके अलावा मिनॉरिटीज़ वगैरह के लिए हैं, वुमेन कोटा भी दिए हुए वुमेन के लिए भी हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, NTS पर इनका फॉर्म मौजूद है, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एक प्राइवेट है जी, रिक्वायर्ड सेल्स मैनेजर लीडिंग एक्सेल मशीनरी इंडेंटी कंपनी लुकिंग फॉर एन एम्बिशियस एनर्जेटिक सेल्स मैनेजर फॉर कराची ऑफिस फॉर सेल इन टेक्सटाइल डाइंग प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग मशीन हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस प्रेफरेबली विद टेक्सटाइल डिग्री और डिप्लोमा सेंड CV। तो अगर AC वाला से कोई भी रिक्वायरमेंट जो इनकी है पूरा उतरता है, तो वो लाजमी इनको ये जो इनका ईमेल आईडी है यहाँ पर इनको अपनी CV भेज सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो नेक्स्ट जो है ये भी इनको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है फीमेल, BBA BCOM रिसेप्शनिस्ट फीमेल क्वालिफिकेशन, तो ये इनकी ईमेल दी हुई नीचे, यहाँ पर आप इनको अपनी CV सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपने जो है ये देखें जी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर जॉब अपॉर्चुनिटी है रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर, तो इन्होंने फीमेल टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ 4 असिस्टेंट प्रोफेसर 19 स्केल की हैं, वैकेंट यूनिवर्सिटी क्रिएटेड पोस्ट सब स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट डेमोन्स्ट्रेटर 17 अगेंस्ट गवर्नमेंट क्रिएटेड साइंस डिपार्टमेंट फातिमा जिन्ना। तो ये इस हवाले से आपने पूरा इनको पढ़ लेना जो जो भी हैं, और आपने जो इनकी ये वेबसाइट दी है कि jobspunjab.gov.pk इन पर आपने अप्लाई कर देना है। तो जो भी अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं 19 और 17 स्केल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी इश्तिहार तैनाती पार्ट टाइम मशीर कानून टाउन कमेटी वार्ड जिला नानकाना साहब के एक इकसामी दरख्वास्त है, तैनाती मतलब पंजाब लोकल गवर्नमेंट एडवाइज़र रूल 2003 के साथ अर्सा 2 साल होगी, 2 साल के लिए आपको रखेंगे, तो उसमें ये आपने पढ़ लेना है पार्ट टाइम मुशीर कानून की तैनाती लोअर कोर्ट सिविल अदालतों वगैरह में जो भी है। उसके बाद ये देखें मुशायरा मुबलक 15,000 रुपये महाना होगा, जिसमें पंजाब कमी पेशी करने का मजाद होगा कानून पंजाब है जो है, तो ये आप देख लें अगर कोई हो तो ये अपनी दरख्वास्त इनको इस डेट तक जमा करा दें, ये इनका नीचे एड्रेस दिया गया है लाजमी जो भी अगर कोई करना चाहे तो। नेक्स्ट आपके पास है जी पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट स्टाफ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, इनको भी स्टाफ रिक्वायरमेंट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट MBBS चाहिए FCPS और MS MBBS डिप्लोमा MCPS हो, तो ये एक एक
यहाँ पर रायमंड में जो हॉस्पिटल है टीचिंग, वहाँ पर हो, एक मुजफ्फरगढ़ में हो, और ये मतलब आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं 85,000 और 125,000 उनकी पे होगी। इसी तरह आई स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारा आपने पढ़ लेना है, गायनी है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, आईटी असिस्टेंट, ये उनके हिसाब से उनको जो है 14 उधर 19 रिक्वायरमेंट्स हैं। कहीं जगह उनको दो दो चाहिए, एक एक चाहिए, तो पे भी लिखी हुई है, मेंशन किए 65, 40, 25, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। मज़ीद जो है अगर कोई मसला हो तो आप इनको जो है इनकी वेबसाइट पर ये देख सकते हैं, www.jobs.punjab.gov.pp, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, मालूम भी ले सकते हैं। तो जो भी अगर अप्लाई करना चाहें पंजाब साइड पर, उस तरफ ये आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जी सेंट्री पेट्रोल, ये जो है सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट, डेंगी जो है डिपार्टमेंट भावलपुर में, ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये आपने सेंट्री पेट्रोल 75 खवातीन और 75 मर्द, मिडल पास हो, नए तजर्बाकार उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। तो आप मिडल आपने क्लियर करनी की हुई हो, और आधी जो है 75 खवातीन 75 मर्द, ये जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग सारा इनको पढ़ लेना है, अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो लाजमी अप्लाई कर लें। उसके बाद ये कोई प्राइवेट आई थिंक, इसमें वेयर हाउस अथॉरिटी और अकाउंटेंट, फ्लोर कैशियर, ये तमाम ग्रेजुएशन तालीम मांगी है, उसके अलावा इनकी भी। तो ये अगर आपके लिए अप्लाई करना चाहे तो इनके नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और नीचे ये इनकी ईमेल आईडी, यहाँ पर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और मज़ीद मालूम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी एनजीओज़ है, जिसमें इनकी दी हुई है मॉनिटरिंग ऑफिसर फीमेल, सोशल ऑर्गेनाइजर फीमेल, न्यूट्रिशन असिस्टेंट फीमेल, 1, 3, 5 इनको चाहिए इतने रिक्वायरमेंट, मास्टर सोशल साइंस में मास्टर ऑफ, 5 साल 3 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट हैं और जो अप्लाई करना चाहती हैं, तो ये इनका ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप जो है इनको अपना सबमिट करवा सकती हैं सीवी वगैरह। तो जो भी है और ज़रूर अप्लाई करें, अगर आप आसपास कोई दोस्त या पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार हो उनसे भी कह सकते हैं कि वो भी अप्लाई कर लें। तो ये कुछ वैकेंसीज आपके साथ मैं जो शेयर करूँ, मज़ीद वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आगे आने वाले ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो मे बी अगर आप उसके ऊपर अप्लाई शायद जो गुजर चुके उनमें ना हो, आगे आने वाला ऐड उसके ऊपर आप शायद ऐसा कोई हो जो आपके लिहाज से मुनासिब हो, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकें, या आपका दोस्त भाई या रिश्तेदार कोई भी ऐसा बंदा जो अप्लाई कर सके, तो वीडियो को पूरा देखा करें और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है और साथ बेल आइकन को दबाने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसका। उसके बाद जी ये रिक्वायर्ड जनरल मैनेजर कैन, डिप्टी जनरल मैनेजर कैन शुगर मिल है, उनको ये इस किस्म की वैकेंसी रिक्वायर्ड है, जनरल मैनेजर कैन और डिप्टी जनरल मैनेजर एमएचआर बीएससी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है इनकी, 10 साल एक्सपीरियंस, सीवी आपने इनको सबमिट करवा देने, इनका ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, और ये इनका जो है आपने जो है 15 मई से पहले इनको सबमिट करवानी है, ये सारा इनके नीचे एड्रेस भी दिया हुआ। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है जनरल मैनेजर के लिए या डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, तो ये आप लोग इस मेल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी है ओवरऑल कराची साइड या जो भी दूसरी तरफ है। उसके बाद ये एक एडमिशन है जी आईबीए स्कूल सखर, जिसमें इनको ये स्कूल के अंदर इनको जो है इस जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन फॉर मेल ओनली, और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट। तो ये इनकी मिनिमम, ये आपने क्वालिफिकेशन पढ़ लेनी है, 20 मई से पहले पहले आपने इनको जो है अपना सब कुछ सबमिट करवा देना है, वेबसाइट इनकी www.iba.suk.edu.pk, यहाँ पर आपने इनको सबमिट करवा देने हैं जो भी है। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहिए तीन पोस्ट के लिए, तो ज़रूर अप्लाई कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके एड्रेस भी जो है सक्का साइट पर ये है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनके जो है STS जो है टेस्टिंग सर्विस जो है, ये भी एक STS, वहाँ पर इनका फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। NHA के अंदर GIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी में ये आप पढ़ सकते हैं, प्रोसीजर टाइटल, यहाँ हायरिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंट चार्टर्ड वगैरह, ये सारे आप लोग पढ़ लें। अगर इस हवाले से कोई हो तो ये आप लोग कर सकते हैं अप्लाई, इसमें भी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी ये आपके पास है जी टेक्नोलॉजिस्ट हेल्थ केयर आउटर टेक्नोलॉजी एंटोमोलॉजिस्ट BSc सेकेंड डिवीजन बायोलॉजी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सुनो जो मांगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या उनको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एंटोमोलॉजी डिजीज वेक्टर कंट्रोल, 5 साल उनको एज में रियायत भी दी जाएगी, 8 साल औरतों को दी जाएगी फीमेल के लिए। तो ये बोथ फीमेल मेल के आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर।
तो आप लोगों ने जो है 10 तारीख से पहले पहले इनको अप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है, 10/5/2020 से आपने पहले इनको सबमिट करवा देनी है। तो आपने रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी पढ़ लेनी है ताकि जो भी आप इस हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडी जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डेरा गाजी खान डेली वेजेस के हिसाब पर ये जो इनको भी सामी सेंट्री पेट्रोल मर्द खोते रिक्वायर हैं, तो ये आप इनको दे सकते हैं कि ये जितने भी इनके दिए हुए हैं आप इनको पढ़ लेंगे। और इस हिसाब के इन्होंने पहले 3 तारीख को लास्ट किया था, उसके बाद इन्होंने मज़ीद इश्तहार बनाया और 16/5 तक तोसी की जाती है, 16 तारीख तक इन्होंने मज़ीद जो है आगे बढ़ा दी है और 20 तारीख को इनके इंटरव्यू हो गए। तो ये आप डेरा गाजी खान साइड पर जितने भी मर्द और ख़वातीन इस चीज़ के अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। डेली वेजेस पर हैं ये, डेली वेजेस जिस पर आप अप्लाई कर लिया करें उसके बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आपको ये पक्के कर लें, बाकी तो देख लें जो भी अगर अप्लाई करना चाहता है। तो उसके बाद तो ये एडमिशन था, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आज की कुछ जो है आपके सामने मैंने जो है जॉब्स आई हुई थी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई ना कोई किसी भाई के लिए चाहे वो एडमिशन के लिहाज से हो चाहे जॉब के लिहाज से फ़ायदा मंद साबित होगी। अगर मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में कोई मसला हो तो ज़रूर पूछा करें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि जितने भी मज़ीद मैं वीडियो अपलोड करूं और वो भी आपको डेली की बुनियाद पर मिलते रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।